क्या था, मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो मेरा घर दिल्ली अजमेर गेट में था, तो वहाँ जो औरतें गलत काम करती ना उनके बच्चे आते थे, तो जो हमारे हेड मास्टर या मास्टर थे ना उनको उनकी माँ के नाम से पुकारते थे उसकी औलाद। तो मैंने उनसे कहा भाई इनकी माँ की गलती है, इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं, आप इन्हें नाम ना दें। तो उन 6 बच्चों के साथ मुझे उन 7 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था। तो फिर दिल्ली में हमें एडमिशन नहीं मिल रहा था, उसके बाद फिर लगन लग गई कैसे बच्चों को बचाने। 500 बच्चों को चलो आई वुड लव टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। कोई सुनाएगा नहीं कुछ अच्छी अच्छी चीज, बदल के रख दोगे।
हम बहुत अच्छी सुविधाएं उसे दे रहे हैं और शिक्षा ना दें तो उसका बेटा उससे छोड़ करके ना मुझे अच्छा लगा बस जूझ रहे हैं एक्चुअली क्या है मैंने 1996 में शुरू किया था राजवीर देशवाल थे एसपी साहब उस समय में कमिश्नर भी लेके गए हैं बहुत अच्छे राइटर हैं गायक भी बहुत अच्छे हैं हाँ पर छोटे बॉयज हम अपने पास
थोड़ा हंसो भी हंस के दिखा खुश रहो और भी क्या रहो खुश रहोगे तो अच्छा पढ़ पाओगे अच्छा सोच पाओगे तो आई ऑलवेज रेकमेंड अंदर से दुखी भी हो ना कभी कोई कोई दिन होता है हम सब सैड हो जाते हैं हम भी हो जाते हैं आप भी हो जाते हैं ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी बाई डूइंग वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग किताब पढ़ ली खेल लिए बाहर सैड होके बैठना नहीं है जो सैड होके कॉर्नर में बैठ जाते हैं ना दे आर लूजर्स इन लाइफ वो कुछ नहीं कर पाते डोंट बी दैट लूजर ओके एवर अगर आई एम ग्लैड यू हैव गॉट समबडी टू लुक आफ्टर यू कोई आपको मिला है तो इसका फायदा उठाओ बहुत बच्चे जो अभी बड़ा गर्मियों में सड़कों पर घूम रहे हैं जिनको कोई देखने वाले नहीं है तो एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव इफ यू वांट टू आस्क समथिंग कुछ करियर रिलेटेड कुछ पढ़ाई से रिलेटेड आप पूछ सकते हो किसी के मन में कोई शंका कोई बात है यू आर मोस्ट वेलकम वी आर हियर टू टॉक टू यू आप लोग से बात करना है ये कोई चिंता की बात है कोई गंभीर बात है उदास होकर तो कोने में नहीं बैठना कभी नहीं बैठना कुछ करना है स्टडी करना है ध्यान देना है बात करना है समस्या आती है पर इसलिए आती ताकि उनका समाधान हो सके इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें घेर के बैठे थे मैं तुम्हें बताया दुनिया का सबसे आसान और सबसे अच्छा काम होता है दिमाग सेंटर में रहना चाहिए खेल लिए नई बुक पढ़ने का मन है बट ऑलवेज बी फोकस्ड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आर यू गेटिंग मी बिग गर्ल्स बिकॉज यू नो यू गोइंग थ्रू दैट एज व्हेन यू वुड गेट डिस्ट्रैक्शंस एंड व्हेन यू वुड हैविंग गुड टाइम और कुछ करके आप अपने जैसे बच्चों के लिए या औरों के लिए भी कुछ कर पाओगे उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी सो ट्राई टू डू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अदर्स ऑल्सो इन फ्यूचर ऐसे अपने आप को सशक्त और एम्पावर They are lovely kids and they have all the right of education, so we take up the matter of their education.